दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जब अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने कर दी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान के छोटे से गांव में खेत के समीप ही एक कुएं में इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदल कर चांदपुर गाँव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास में उस समय उसका इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय बहुत ही अंधेरा था। राजू और मंगल नाम के दो किसान अपने खेत का सारा काम निपटाकर उसी कुएं के पास से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश राजू का एक पैर इच्छाधारी सांप के फन पर रखा गया। इसके बाद जैसे ही इच्छाधारी सांप ने राजू को काटना चाहा, पीछे से मंगल ने ये देख लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसने उस इच्छाधारी नाग की हत्या कर दी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं अपितु इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास ही स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। उधर जब इच्छाधारी नागिन वापस कुएं के पास लौटकर आई तो अपने नाग को मृत देखकर वो गुस्से से बेसुध हो गई और नाग की आंखों में उसने उसके कातिलों को भी देख लिया। उसके दिमाग में अब बस एक ही शब्द चल रहा था और वो था बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी कुएं के अंदर मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राजू और मंगल ने उस घटना के बाद उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु वो इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने निश्चित किया कि अब वो गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लेगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर वो चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय जब मंगल और राजू पुनः खेत से काम करके घर लौट रहे थे, तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था और वो राजू और मंगल को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस नागिन ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। ये सुनते ही वो दोनों बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतना मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने उसके नाग की हत्या करी थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और वो डर के मारे कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और डस डस कर उस कुएं के पास ही उन दोनों को मार डाला और अपने नाग की हत्या का बदला ले लिया और अपने प्रण के अनुसार उन दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में इन दोनों ने उसके नाग के शव को फेंका था, और वो पुनः उस कुएं के आसपास ही रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने या अनजाने में आप किसी भी नाग या नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी ये गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव शिव के गहने हैं। हमारा ये काम है कि जिस प्रकार हम महादेव शिव की भक्ति करते हैं, उसी प्रकार हमें इनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। साथ ही इस घटना के प्रति आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, नाग नागिन का एक दूसरे के लिए बदला लेना फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा। नागिन अपने मरे नाग की आंखों में देखकर ही ये पता लगा लेती है कि उसके प्यार को उससे किसने जुदा किया है, आखिर कौन है वो शख्स, और फिर शुरू होती है नागिन के बदले की कहानी। एक ऐसी ही सच्ची घटना आज हम लेकर आए हैं। यूपी के औरंगाबाद गांव में अनोखी घटना सामने आई। दरअसल यहां एक परिवार ने नाग की हत्या कर दी, परंतु उसकी नागिन को भूल गए और फिर जो नागिन ने पूरे परिवार के साथ किया, हर कोई देख दंग रह गया। बीते सोमवार को औरंगाबाद गांव में रहने वाले एक परिवार के घर पर नाग नागिन का जोड़ा घुस आया। परिवार का मुखिया यानी दीवान और बाकी घर वाले भी
लाठियां लेकर दोनों को मारने दौड़ पड़े। नागिन तो किसी तरह जान बचाकर कहीं छुप गई, परंतु नाग को परिवार वालों ने मिलकर लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद सभी ने यह सोच लिया कि नागिन बाहर निकल गई, भाग गई कहीं पर, इसीलिए किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं करी। नाग के मरने के बाद पूरा परिवार चैन से सोने लगा, लेकिन इसके सिर्फ 3 घंटे बाद वो अनोखी घटना हो गई, जिसके बारे में आपने सिर्फ सुना ही होगा या फिर किसी फिल्म में देखा भी होगा। दोस्तों, दीवान के घर वालों के मुताबिक उन्हें ये बात पता ही नहीं थी कि जिस वक्त वो नाग को मार रहे थे, उस वक्त नागिन घर में ही मौजूद थी और वहीं कहीं छिपी हुई थी। उन्होंने बताया कि जब दीवान का 13 साल का बेटा मुकेश रात में अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी नागिन ने आकर उसे डस लिया। जब मुकेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, तब उसके परिवार वाले उसके पास पहुँचे, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो नागिन वहाँ से जा चुकी थी। मुकेश बेहोश पड़ा हुआ था। नागिन के डसने के बाद घर वाले मुकेश को तुरंत झाड़ फूस करने वाले प्रसिद्ध सपेरे के पास ले गए। तब तक मुकेश की हालत और बिगड़ने लगी थी और सपेरे ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद मुकेश को डॉक्टर के पास ले जाया गया, परंतु डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि उसे अब बचाना मुश्किल है। थोड़ी देर बाद ही मुकेश की मृत्यु हो गई। दीवान के मुताबिक नागिन ने उसके बेटे को मारकर नाग की मौत का बदला ले लिया था। दीवान के घर वालों ने अभी तक तो केवल कहावत ही सुनी थी कि नाग की मौत का बदला नागिन जरूर लेती है, परंतु क्या पता था कि उनके परिवार के लिए ये कहावत एकदम सच साबित हो जाएगी। बेटे की मौत के बाद बाकी परिवार के सदस्य भी दहशत में आ गए हैं। एक तरफ बेटे के मरने का गम घर वालों की आंखों में आंसू बनकर बह रहा है, तो वहीं नागिन के इंतकाम के डर से सबकी नींदें गायब हो गई थी। ऐसे में परिवार वालों ने गांव वालों की मदद के साथ काफी मशक्कत करने के बाद नागिन को खोज ही निकाला और उसे भी मार डाला, और एक सपेरे के कहने पर विधि विधान से उस नागिन का अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, इस तरह नागिन ने अपने नाग की मौत का बदला तो ले लिया, परंतु कभी संभवतः आपके घर में अचानक नाग नागिन का जोड़ा आए या आपको रास्ते में कहीं ये अगर दिख जाएं, तो कृपया आप स्नेक रेस्क्यू टीम को बुला लेना। परंतु जीव जंतुओं को बगैर किसी कारण मत मारना। हाँ, अगर आपको खतरे का आभास होने पर आप उन्हें मारें, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ऐसे में आप उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार जरूर कर दें। अकारण जीव जंतुओं को मारना आपको बुरे संकट में डाल सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली ही ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।